आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल वेज थाली। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी की रेसिपी क्यों लेकर आई हूँ। ये देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं किया है, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए इस रेसिपी को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आज ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी भी कुकिंग नहीं किया है, वो इस रेसिपी को देखकर इजीली घर में आप खाना बना सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हमारे पास जो भी सामान है हमें उसी से खाना बनाना पड़ेगा, तो चलिए इन सिंपल रेसिपीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं चावल। तो सबसे पहले चलिए हम चावल को भिगो लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 कप चावल ले रहे हैं। 2 कप चावल 4 लोगों के लिए काफ़ी होता है, आप क्वांटिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं पानी और इसे हम हाथों से मसलते हुए 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें जो गंदगी है वो निकल जाएगी। तो ये चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है और ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग ये 350 ग्राम चावल है। और इसे अब हम 15 से 20 मिनट तक भीगने देते हैं। 15 मिनट हो गया है और चावल पूरी तरीके से भीग गया है, तो चलिए अब इसे भी हम पका लेते हैं। चावल बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 लीटर पानी और पानी को हम बिल्कुल अच्छे से एक बार गर्म होने देते हैं। पानी गर्म हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं भीगे हुए चावल। आप सभी चावल को इस तरीके से पानी में ले लीजिए और एक बार हम इसे चला लेंगे और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर पका लेते हैं। चावल को मीडियम हाई फ्लेम पर पकाते हुए 8 मिनट हो गया है और अब देख रहे काफ़ी चावल साइज़ में बढ़ गया है, सारा पानी अब्जॉर्ब हो गया है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा चावल को चम्मच में लेते हैं और इसे हम हाथ से प्रेस कर लेंगे। आप देख रहे चावल इजीली दब जा रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है और ध्यान रहे कि चावल बहुत ज़्यादा भी नहीं पकना चाहिए। तो अब इसे हम और नहीं पकाएंगे। तो चावल को पकने में टोटल 8 से 9 मिनट लगता है और चलिए इसमें जो एक्सेस पानी है उसे हम छान लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने लिया छलनी और इसमें हम चावल को छान लेते हैं। तो ये देखिए, खिले खिले चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैक्सिमम 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बना लेते हैं दाल। और दाल बनाने के लिए मैंने ये अरहर दाल लिया है, लगभग आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा दाल मैंने लिया था और ये पूरी तरीके से भीग चुकी है। इसे भी मैंने अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, तो आप देख रहे थोड़ी फूल गई है, भीगने से दाल थोड़ी फूल जाती है। तो ये अच्छे से भीग चुकी है और चलिए अब हम दाल कैसे बनाएं ये देख लेते हैं। तो दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम पानी सहित डालेंगे भीगी हुई दाल। हम पानी उतना ही डालेंगे जितने में दाल पूरी तरीके से भीग जाए। आप देख रहे हैं दाल के ऊपर ऊपर ही पानी खाली तैर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और फिर इसमें हम डालते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं और 1 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे, क्योंकि हमारी दाल अच्छे से भीग गई है तो हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे। कुकर को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 1 सीटी आने तक पका लेंगे। तो सीटी लग चुकी है और अब हम इसे तब तक ऐसे ही छोड़ देते हैं जब तक कि इसमें से सारा प्रेशर ना निकल जाए। हम सीटी अभी नहीं निकालेंगे। प्रेशर निकल चुका है और अब हम कुकर को खोलते हैं। दाल पूरी तरीके से गल गई है, आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दाल में चलिए हम छौंक लगा लेते हैं। तो छौंक लगाने के लिए मैंने ये बर्तन लिया है और इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरा को हल्का ब्राउन होने तक हम पका लेते हैं। जीरा आप देख रहे हैं हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। तो और घी भी बहुत तेज़ गर्म हो गया है तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसी समय हम 2 खड़ी लाल मिर्च डालते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप इसे डालिए। और इसमें हम 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालते हैं और इस समय हम बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे, तुरंत ही इस तड़के को हम डालते हैं दाल के ऊपर। और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा हींग
इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है जब हम ऊपर से हींग डालते हैं और सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बिल्कुल टेस्टी दाल रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बना लेते हैं बहुत ही टेस्टी आलू जीरा की सब्ज़ी। आलू जीरा बनाने के लिए मैंने 8 से 10 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और अब हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी सभी आलू के छिलके उतार लेते हैं। तो सभी आलू के छिलके को उतार लिया है और अब इसे हम इक्वल 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। आप आलू को कैसे भी कट कर सकते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि आपको किसी भी ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बहुत मसाले की भी ज़रूरत नहीं है। और अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और लॉकडाउन पीरियड में आप इस सब्ज़ी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और सभी बहुत पसंद करते हैं। तो आलू को मैंने रफली कट कर लिया है और चलिए अब हम जीरा आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू जीरा बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं जो घर पे हो, और तेल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं 1/2 टेबल स्पून जीरा, और जीरा को हम बिल्कुल अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। जीरा थोड़े ब्राउन कलर का हो गया है और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी हरी मिर्च, जिसे मैंने छोटा छोटा नहीं कट किया है और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं आलू और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम सभी मसाले भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और फिर इसमें हम डालते हैं 1 से 1.5 चम्मच जीरा पाउडर। अगर आपके पास घर में जीरा नहीं है तो आप खड़े जीरा को थोड़ा सा भून लें और उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें या बेलन से मसल लेंगे तो उसका पाउडर बन जाएगा और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अभी इस समय हमारे पास धनिया पत्ती नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है घर पे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सभी को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा 5 मिनट में जीरा आलू बनकर रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है और बहुत कम मसाले से ये इजीली बन गया है और अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रोटियां भी सेक लेते हैं। तो रोटी बनाने के लिए हम 2 कप आटा लेंगे, लगभग 250 ग्राम आटा है, 4 से 5 लोगों के लिए काफ़ी है। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। नमक आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, जो बिगनर्स हैं उनको ख़ास ध्यान रखना है कि एक साथ पानी ना डालें, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा, फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा लगाएंगे। हमें जो रोटी का आटा है वो बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है। जब आप पहली बार कर रहे हैं तो जल्दबाजी ना करिए, बिल्कुल आराम से आटा लगाइए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। आप देख रहे हैं आटा अभी भी काफ़ी सख्त है और पानी की ज़रूरत है, तो इसमें मैं और पानी डाल रही हूँ। रोटी का जो आटा होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, तो आप मेरे लगाने के उससे ही देख रहे होंगे कि मुझे थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ रही है, यानी कि आटा अभी भी मुलायम नहीं हुआ है। तो इसमें हम फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। डो बन गया है, आप लास्ट में फिर से थोड़ा सा पानी डालिए और आटे को हम बिल्कुल अच्छे से नीट करेंगे। आप जितना आटे को नीट करेंगे रोटियां उतनी ही सॉफ्ट बनेंगी। तो हाथों से इस तरीके से आटे को मसल लीजिए। हम अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देते हैं। हाथों को थोड़ा सा गीला कर लिया है मैंने और आप देख रहे हैं अब मुझे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आटा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और इसे हम
जब तक ये स्मूथ ना हो जाए इसे हम नीट कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालने से आटा गीला भी नहीं होता है, बहुत अच्छे से नीट हो जाता है और रोटियां जो बनती हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो आटे को मैंने बिल्कुल अच्छे से मसल लिया है और टोटल 3/4 कप पानी लगा है इस आटे को नीट करने में। पानी कम ज़्यादा हो सकता है, मैंने जितना यूज़ किया मैंने उतना बता दिया कि लगभग 3/4 कप लगेगा। तो ये हमारा आटा नीट हो गया है और इसे हम 10 मिनट तक के लिए ढककर साइड रख देते हैं। तो आटा सेट हो चुका है और अब इसे हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसे 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड किया है और एक पोर्शन को हम हाथों में लेकर इसे बिल्कुल अच्छे से रोल कर लेंगे और हाथ से इस तरीके से हम चपटा कर लेते हैं। हल्का प्रेशर लगाते हुए हम इसे रोल करेंगे। तो एक पोर्शन को मैंने रोल कर लिया, बाकी सभी को ऐसे ही हम रोल कर लेते हैं। तो सभी को मैंने रोल करके फ्लैट कर लिया है और चलिए अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। तो बेलने के लिए मैंने सूखा आटा लिया है और इसमें एक पोर्शन को हम बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेते हैं जिससे कि ये बेलते समय चिपकेगा नहीं। और इसे अब हम चकले के ऊपर रखेंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे और इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए रोल करेंगे। हमें एक ही मोशन में नहीं रोल करना है और ध्यान रहे कि किनारे भी रोल होते रहें। जनरली हम क्या करते हैं, बीच से रोल कर लेते हैं जिससे कि बीच में बहुत पतला हो जाता है और किनारे पतले नहीं हो पाते हैं, वो मोटे रह जाते हैं। तो मैं जहाँ तक है प्रेशर किनारों पे ही लगा रही हूँ। तो अब देख रहे हैं ये बिल्कुल गोल और पतली बेल गई है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग में से कितनों की रोटियां ऐसे ही गोल बनती हैं। तो जिस तरीके से मैं बेल रही हूं, अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रोटियां बहुत ही फूली फूली और चारों ओर से इवनली सिकेंगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो इस तरीके से मैंने एक पतली रोटी बना लिया है और बाकी को हम ऐसे ही रोल कर लेते हैं। तो सभी रोटियाँ मैंने बेल ली हैं। तो चलिए अब हम रोटियों को सेकते हैं। तो रोटी सेकने के लिए मैंने लिया है पैन, आप आयरन तवा भी ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है और गर्म तवे के ऊपर हम डालेंगे एक रोटी और रोटी को हम नीचे की तरफ से सेक लेते हैं। हमें ज़्यादा देर नहीं सेकना है, हम फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे इस समय। लो फ्लेम पर सेकने से रोटियाँ बहुत कड़ी हो जाएंगी और सिर्फ हम 10 से 15 सेकंड के लिए हम नीचे की तरफ से सेकेंगे। आप देख रहे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, रोटी का कलर चेंज हो गया है। तो इसी समय इसे हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 10 सेकंड तक के लिए सेक लेते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ से भी ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं, तो हम इसे और नहीं सेकेंगे। हम तुरंत उठाकर इसे हम गैस के ऊपर रखते हैं। तो आप देख रहे हैं रोटियां कितनी अच्छी फूल गई है और चारों ओर रोटेट करते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो ये एक रोटी सेक गई है और अब इसके ऊपर हम लगाते हैं घी। घी से रोटी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम रोटी को फोल्ड करके घी लगा लेंगे और आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वेज थाली बनाना कितना आसान है और आप इस लॉकडाउन में क्या बना रहे हैं घर पे, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।